अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ आमरीन, आमरीन कैशन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ही बहुत ही मज़े का लड्डू, जो कि हाई प्रोटीन है, वेट लॉस के लिए भी है एंड हेयर फॉल के लिए भी है। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था मेरा, बहुत ही सीवियर वाला, कि मैं कहीं भी बाल, अगर मैं बाल बताएं बाहर झाड़ती थी, अगर मैं अपने ऑफिस में बाल को सुलझा रही हूँ ना, तो मैं रोड बाहर जाके बाल झाड़ती थी। अपने घर में कर रही हूँ तो घर में बाहर जाके मुझे बाल झाड़ना पड़ता था। इतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा है और हो रहा था, अभी भी हो रहा है। और तो मैंने ये लड्डू बनाया है, बहुत ही हेल्दी है और ये हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ डाली है, प्रोटीन, हाई प्रोटीन है और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है और बहुत ही मज़े का भी है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनाया है, फिर मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, ये देखो हमारा लड्डू बन के रेडी हो गया है। कितना मज़े का लग रहा है ना, और वैसे ही टेस्ट में भी बहुत अच्छा था और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा जल्दी बन भी जाता है ये। और चलिए चलते हैं, बनाते हैं। पहले मैंने एक पैन लिया है, यहाँ पे आधा चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे घी ली है। और घी जब ये गर्म हो जाएगी ना हल्की सी, तब मैं यहाँ पर डालूंगी बादाम, काजू और ओट्स। ये तीनों चीज़ हमारी 4 4 चम्मच थी। और अच्छे से इसको घी में भूजेंगे, तब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, एक हल्की सी सूंधी सूंधी स्मेल नहीं आने लगती, तब तक इसे भूंजना है लगातार चलाते हुए। और अगर आप नहीं चलाओगे तो ये जल जाएगा। बस इसे लगातार चलाते हुए इसे कलर चेंज होने तक भूंजना है। और भूंजने के बाद मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और बाद में इसको मैं पीसना भी है, तो इसको अलग रखना है। बाकी की और चीज़ें पीसनी नहीं है तो उसको अलग प्लेट में लगाएंगे। जब ये हमारा भुंज जाएगा तो मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। और ये देखो हमारा भुंज गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया इसको। सेम पैन में मैंने फिर से थोड़ी सी घी डाली है, आधा चम्मच के करीब। और यहाँ पे डाला है मैंने सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड, फ्लैक्स सीड और शिया सीड्स। ये तीनों चीज़ हमारे तीन तीन चम्मच है। और इसको बहुत अच्छे से भूंजेंगे ताकि ये ना एक खाने में थोड़ा सा चिपकती है दाद में, तो इसके वजह से ये बहुत अच्छे से भूंजी रहेगी तो बहुत अच्छा से इसका टेस्ट आएगा। और इसको बस भूनने के बाद मैं इसको अलग प्लेट में रखूंगी ताकि ये इसको पीसना नहीं है मुझे। और इसको अगर आप चाहो तो आप पीस भी सकते हो, अगर आपको नहीं इसका टेस्ट पसंद है ना तो आप इसको पीस सकते हो, तो वो पता भी नहीं चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ पड़ा है। पर मैंने नहीं पीसा था। और मैंने फिर से पैन को में थोड़ा सा घी डाला है, यहाँ पे डाला है मैंने मेलन सीड और थोड़ा सा किशमिश। इसको भी मुझे पीसना नहीं है तो इसको वही वाले जो सीड्स वाले थे ना उसी में इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहो तो आप इसको भी पीस सकते हो, पर इसको बहुत जल्दी, बस हल्का सा मैंने इसको भूंजा था ताकि ये हल्का सा बस भून जाए। और ये देखो हमने सारा मिक्स कर लिया है, जो हमारा काजू और बादाम वाला मिक्सचर था। आप इसको ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा पीसना है इसको, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं चाहिए मुझे, हल्का सा दरदरा चाहिए। अगर आप चाहो तो आप इसको जो काजू बादाम है इसको कट कर लो, तो पर उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो मैंने इसके वजह से इसको पीस लिया था। बस इसको पीस गया है और मैं इसको प्लेट में एक निकाल लूँगी और इसे ऐसी बड़ी प्लेट में निकालेंगे ताकि सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ खजूर, आधा किलो खजूर लिया है, उसकी सारे की सीड्स निकाली है और मैंने इसको पीस लिया है, बस हल्का सा पीस लिया है। और आप चाहो तो बिना घी में भूंजे ही इसको बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे एक थोड़ी सी घी डाली है और घी में मैंने सारा जो खजूर का पेस्ट था वो डाल दिया है। अच्छे से भूंजेंगे ताकि ये हमारे जल्दी जो लड्डू है वो ख़राब ना हो। अगर हम इसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तो भी हमारा ये 1 वीक ख़राब नहीं होएगा, नहीं तो ना बहुत इजीली ख़राब हो जाएगा, बारिश का दिन है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बस इसको हल्का सा मैं भूंजूंगी ताकि इसमें एक चिकनापन आ जाए, ताकि लड्डू बनाए तो बहुत अच्छा सा हमारा जो लड्डू का टेक्स्चर है ना वो बहुत अच्छा सा रहे। और ये देखो इसी में जब ये भून जाएगा तो मैंने इसमें सारे सीड्स डाल दिए हैं और सारे जो भी भूंज के पीस के रखा था सारी मिक्सचर को मैंने इसमें ऐड कर दिया और अच्छे से इसे मैं खजूर के साथ में भूंजूंगी ताकि ये अच्छे से भून जाए और मुझे मिक्स हाथ से मिक्स ना करना पड़े। और क्योंकि खजूर बहुत गर्म है और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जैसे खजूर ठंडा होता है ना तो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, तो अगर गर्म गर्म पे नहीं भूंजेंगे मिक्स करेंगे तो ठंडे पे ये अच्छे से मिक्स नहीं होएगा, फिर बॉल नहीं बन पाएगा। और बस इसको फ्लेम को एकदम लो रखेंगे, नहीं तो ना ये जल जाएगा। बस अच्छे से जब इसे मैंने मिक्स कर लिया है ना, तब मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है, एक कोई बड़ी प्लेट में निकाल लिया मैंने इसको। और 2 मिनट के लिए बस इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए बस वो कराया है ताकि ये ना हल्का सा ठंडा हो जाए और हाथ से बस छूने लायक हो जाए, तब हम इसको बना लेंगे बॉल। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो ना ये बॉल बनती नहीं है।
उसके बाद मैंने कटोरी में घी ले ली है, थोड़ी थोड़ी सी मैंने हाथ में घी लगाई है, और हम ये इसका बॉल का शेप दे देंगे। ये देख सकते हो आप कितनी जल्दी जल्दी मेरी बॉल्स बन गई हैं, इजीली बिल्कुल बन गई हैं, ये देख सकते हो। ऐसे ही मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं अपनी, बस बार बार थोड़ा सा घी लगाना पड़ता है ताकि ये इसका जो लड्डू का शेप है वो बहुत अच्छा शेप दिखे और ऊपर से चिकना रहे, बहुत अच्छा रहे। ये देखो बन के रेडी हो गए। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आप इसको बना के यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये हमारा जो लड्डू है बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है, ट्राई करना मुझे कमेंट में बताना। होप हमारी रेसिपी देखी होगी आपने, कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही ज़्यादा मज़े की है और बहुत इजी भी है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, मतलब बस इसमें अगर आपको खजूर सीडलेस मिल जाता है तो आपके लिए काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, नहीं तो फिर सीड निकालना पड़ता है खजूर का तो थोड़ा सा समय लगता है, पर तभी भी अगर इसे ड्राई फ्रूट को कट करना पड़ता ना तो बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा, फिर ये बहुत ज़्यादा समय ले लेता। पर ना इसको ड्राई फ्रूट को तो हल्का सा रोस्ट करके अब बस उसको ग्राइंड करना है। अगर आपको ग्राइंड नहीं करना है तो आप उसको चॉप करके भी बना सकते हो, पर मैंने तो बस ग्राइंड करा और ये बहुत ही इजी था, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो गया था हमारा लड्डू। बहुत ही मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सबसे ज़्यादा ईजी लड्डू यही है और हेल्दी भी है, हाई प्रोटीन है, विदाउट शुगर है, तो इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और बहुत सारा शेयर करिएगा ताकि जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय।